जैन दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट कैसे चेक कर सकते हो कि वो रियल है या फेक है, क्या वो असली में आपके नाम पे बना हुआ है या वो फेक बर्थ सर्टिफिकेट आपके नाम पे इशू किया गया है, वो आज वीडियो में बताने वाला हूँ। तरीका बताऊँ किस तरीके से चेक करना है आप लोगों को, और अगर आप लोगों ने चेक कर लिया कि वो फेक है तो वो कैंसिल कैसे होगा, वो भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना एंड तक, उसका कोई भी जो पार्ट है वो स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं छोटी सी वीडियो को। तो देखिए, जब भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है ना, तो वो उस डिपार्टमेंट के थ्रू बनाया जाता है, जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया, पंचायत हो गया, म्यूनसिपल काउंसिल हो गया, इन तरीके से बनाया जाता है। या फिर आप लोग किस डिफेंस में हैं तो वहाँ कंटोनमेंट बोर्ड बनाता है या हॉस्पिटल बनाता है, तो इन तरीके से आप लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। अब ध्यान रखना है, कुछ लोकल जो लेवल हैं, जैसे पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया, यहाँ पे जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं ना, वहाँ पे आप लोगों का सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वहाँ पे आप लोगों की डिटेल रहेगी, नाम, पेरेंट्स डिटेल, परमानेंट एड्रेस, जहाँ बच्चा किस जगह पैदा हुआ है वो एड्रेस होगा, ठीक है, मदर्स नेम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, सब कुछ होगा। पर ध्यान रखना है, लोकल लेवल पे आप लोगों का जो स्कैनर होता है, आप देखिए कि छोटा सा लेफ्ट हैंड साइड में एक स्कैनर बना होता है, वो स्कैनर नहीं होगा आपके लोकल, जब आप बनाते हैं जिस पंचायत घर हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया, वो जो स्कैनर होता है वो आप लोगों का हमेशा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल काउंसिल कंटोनमेंट बोर्ड से आप बनवाओगे, या दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड हो गया, या हर स्टेट का अलग अलग होता है, वहाँ से बनवा रहे हो, ठीक है, या हॉस्पिटल से बनवा रहे हो, या ठीक है ना, MCD से बनवा रहे हो कहीं से, तो वहाँ पर आप लोगों के वो स्कैनर वहाँ पे डाला जाता है, वो जो क्योंकि वो किसी वेबसाइट के थ्रू बनाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, वो स्कैनर होना चाहिए। अगर स्कैनर नहीं है तो आप लोग लोकल लेवल पे अगर बनवा रहे हो तो उसको आप लोग किसी लोकल लेवल के बनवाने के बाद आप लोग किसी मतलब जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या काउंसिल के थ्रू बनवाइए, ताकि वहाँ पे वो स्कैनर आ जाए। जब भी आप कोई ऐसा बनवाते हैं, अब उस स्कैनर को आप स्कैन करके देख लीजिए, उस स्कैनर जब आप स्कैन करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन आप लोगों का डायरेक्ट उस लिंक पे चला जाएगा जहां से वो बनाया गया है, मतलब जिस वेबसाइट के थ्रू बनाया गया है, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हो गया कि जब आप बनाते हो वहां पे आप लोगों को दिख जाएगा कि वो जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो किस वेबसाइट, सी आर सर्गी करके एक वेबसाइट होती है, वहाँ से बनाया जाता है, उस पर डायरेक्ट जा रहा है, तो आप लोग देख लीजिए, वहाँ पे आप लोगों की सारी डिटेल होगी, हर चीज़ मैच कीजिए, जो आप लोगों के पास हार्ड कॉपी में बर्थ सर्टिफिकेट है वो और जो ऑनलाइन हो रहा है वो सारी चीज़ें मैच कीजिए, एक एक चीज़ मैच कीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, हर चीज़ मैच कीजिए, अगर वो मैच हो रही है तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो रियल है। अब फेक वाले बर्थ सर्टिफिकेट में क्या होता है ना, देखिए, जब भी आप लोगों का कोई बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है या फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, ठीक है, तो या फिर आप लोग करेक्शन करवा रहे हो, ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है, लोग कैफ़े पे चले जाते हैं, जो जो आप लोगों के लोकल कैफ़ेज होते हैं, कैफ़े वाले यार बहुत शाने होते हैं, बहुत वो लोग क्या करते हैं ना कि आप लोग किसी दूसरे के बर्थ सर्टिफिकेट पे आप लोगों का नाम वगैरह एडिट करके और वो सब चेंज करके वो आप लोगों को दे देते हैं। और वहाँ पर वो लोग एक चीज़ करते हैं जो आप लोग कोई नहीं बताएगा, जो स्कैनर होता है ना, वो स्कैनर हटा के ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप लोग वो लोग स्कैनर उठा लेते हैं, वो स्कैनर उठा के वहाँ पे डाल देते हैं और वो अपनी किसी भी एक डोमेन को लिंक कर देते हैं उस स्कैनर के थ्रू। थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, बट आप लोगों को खोल के देखना है, वो जब स्कैनर आप करोगे ना, वो csergi वेबसाइट छोड़ के .gov.in करके आती है, उस पर ही जाना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई स्लैश डाल के या कुछ आगे कुछ डला हुआ है या कुछ है, तो वो आप लोगों का फेक बर्थ सर्टिफिकेट है, वो ध्यान रखना है आप लोगों को। वो स्कैन भी होगा, सब कुछ होगा, हर वो जो डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन वो लोग अपलोड कर देते हैं, उसके थ्रू वो डाउनलोड भी हो जाएगा, बट ध्यान रखना किस वेबसाइट के थ्रू जा रहा है, डोमेन देखना है आप लोगों को, किस डोमेन के थ्रू जा रहा है वो आप लोगों को चेक करना है। बहुत बार क्या होता है, लोग गोली दे देते हैं, झूठ बोल देते हैं, ये बोल देते हैं कि विदाउट स्कैनर वाला हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, और वो किसी दूसरे के बर्थ सर्टिफिकेट बना के आप लोगों को दे देते हैं। ऐसा कोई सीन हो गया आप लोग क्या, आप किसी गांव में रहते हैं, क्या छोटी किसी सिटी में रहते हैं, क्या जहाँ पे आप लोग किसी नियरेस्ट किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या कहीं नहीं जा सकते हैं, तो देखना है कि वो कहाँ से बना है। नियरेस्ट किसी भी आप लोग ऑनलाइन जो पंचायत घर होता है, म्यूनसिपैलिटी होता है, उनका सर्विस होती है, वो उस बर्थ सर्टिफिकेट को चेक कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट उनके पास लेके जाइए, वो चेक करके आप लोग बता देंगे कि ये फेक है या रियल है। तो ध्यान रखना है, स्कैनर होना चाहिए, स्कैनर जब स्कैन करेंगे तो एक डोमेन होता है csergi करके, उस डोमेन पे जाना चाहिए, csergi.gov.in करके आता है, उस डोमेन पे जाना चाहिए, डोमेन देखना है आप लोगों को सबसे पहले। डोमेन अगर इस पे नहीं जा रहा है तो वो आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट फेक है। अगर आप लोग चेक कराना चाहते हैं फिर भी आप लोगों को कहीं से नहीं मिल रहा, तो आप लोग मेरे साथ बर्थ सर्टिफिकेट शेयर कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो बर्थ सर्टिफिकेट रियल है या फेक है। बट ध्यान रखना, जब भी आप बनवा रहे हो, किसी भी कैफे वाले से बनवा रहे हो, कुछ भी बनवा रहे हो, आप लोग तुरंत मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं उसको हाथों हाथ चेक करके बता सकूँ कि वो फेक है रियल। बाद में आप दोगे वो, फिर वो कैफ़े वाले अपना बाद में बहुत वो करते हैं कि ये मेरे से नहीं बनवाया या ऐसे वैसे,
वो जब भी आप बनवा रहे हैं आप लोग शेयर कर सकते हैं, अगर आप लोग खुद चेक कर सकते हैं तो इस तरीके से चेक कीजिएगा। आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो बर्थ सर्टिफिकेट रियल है या फेक है, और फेक बर्थ सर्टिफिकेट है तो फेक बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल करवाने के ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप लोग वो जाके भी देख सकते हैं और उस तरीके से आप लोग फेक बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकते हैं अगर आप लोगों का बन गया है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसी ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ अपने चैनल के ऊपर उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, वीडियो आप लोग देख सकें। तो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।